इनकम टैक्स विभाग 5,000 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स विभाग ने ऐसी कंपनियों की पहचान की है जिनका आईटी रिटर्न और जीएसटीएन मिलान नहीं हो रहा है। क्या है पूरा मामला बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश, बताइए ये पूरा मामला आखिर है क्या और किस तरह की सख्ती यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, दरअसल देखा गया कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इनकम टैक्स में तो अपनी आमदनी कम दिखाई, लेकिन जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया वो काफ़ी ज़्यादा लिया। यानी कंपनियां आय जो है कम दिखा रही थी ताकि उनकी इनकम टैक्स की देनदारी कम बने, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रही थी वो बड़े पैमाने पर ले रही थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटीएन ने ये आपस में साझा किया है जानकारी, जिसके बाद ऐसी कंपनियों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त पता चली है और इन कंपनियों के जो दस्तावेज हैं उनके मिलान नहीं हो पाने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटीएन दोनों ही जो है अलग अलग जिन कंपनियों ने भारी पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट किया है उनको नोटिस भेजेंगे, उनके यहाँ छापे की भी कार्रवाई कर सकते हैं दोनों मिलकर के। तो इसका मकसद ये है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि सरकार पर काफ़ी दबाव है, क्योंकि जो कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाई गई है इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन घटने की आशंका है। तो इसके साथ ही कई और दूसरे उपाय भी हैं जो सीबीडीटी उठा रहा है और जीएसटी जो है वो उठा रहा है ताकि जो टैक्स की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके। टीडीएस काटने का एक जैसे मामला है, टीडीएस कंपनियां काटती हैं या संस्थान काटते हैं लेकिन सरकार के पास जमा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी सरकार की नज़र है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा लेने और आय कम दिखाने का मामला है, तो इस मामले में राज्य सरकारों के जो जीएसटी डिपार्टमेंट हैं उनको भी चिट्ठी लिखी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर कंपनियों के खिलाफ जांच करें कि कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट किस आधार पर ज़्यादा लिया जबकि उन्होंने आमदनी कम दिखाई थी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस खबर के लिए। और अब बात करते हैं बजट से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरों की। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 1 फरवरी को जब तक बजट पेश नहीं हो जाता उम्मीदों का दामन हर किसी ने थाम रखा है। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी काफी उम्मीदें हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक देश की इकोनॉमी की रफ्तार हैं। जीएसटी आने के बाद से देश में टोल और टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी को हुआ है तो वो है देश का लॉजिस्टिक सेक्टर। जहां पहले ट्रकों को टोल पर कई दिनों तक खड़े रहना पड़ता था, अब बेरोक टोक मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उम्मीदें और भी हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। एक बार फिर लॉजिस्टिक सेक्टर उम्मीद लगाए बैठा है कि कुछ कसर जो रह गई है इस बजट में पूरी हो जाए। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की सबसे बड़ी मांग ये है कि असंगठित क्षेत्र की बजाय संगठित क्षेत्र में शामिल किया जाए। सरकार ये साफ करे कि वो इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर मानती है या रियल एस्टेट। दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह अगर लॉजिस्टिक सेक्टर को भी एमएसएमई का दर्जा मिले तो ये इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया कदम होगा। मौजूदा लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए सबसे बड़ा खतरा तेजी से बढ़ रहे लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप से है। इंडस्ट्री का आरोप है कि आगे निकलने की होड़ में गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें रेगुलेट करने के नियम आने चाहिए। सबसे बड़ी बात, लंबे समय से अटके नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जीएसटी के छोटे छोटे जो हर्डल्स बीच में रह गए हैं उनको आज इस बजट के अंदर कैप्चर, आई होप वो कैप्चर करेंगे, यदि नहीं किया हुआ तो सरकार उसको कर दे। और जो एक इनकम टैक्स का रिबेट है वो लॉजिस्टिक कंपनी को एज ए एसएमई के अंदर कोई भी किसी को ये प्रावधान है कि उसका पेमेंट टाइम से मिल जाए,